जय श्री राम, जय श्री राम। सज गई है अयोध्या, चले आइए। उत्तर प्रदेश में हत्यारी सरकारें भी आई हैं। काल नीमियों ने मेरे प्रभु का मंदिर तोड़ दिया था, जय चंदों ने मेरे प्रभु को टेंट में छोड़ दिया। तो बाबर या औरंगजेब से आप क्या उम्मीद करते हो? वो भगवान राम के दरबार में मत्था टेकने आएंगे? 24 लाख दियो से गुंजित भूमंडल फिर डोला, भारत का हर बच्चा बच्चा सिया राम जय बोला। यूपी से अखिलेश यादव है जो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिला, मतलब हम क्यों जाए, नहीं जाए। अखिलेश यादव जैसा नेता हिंदुस्तान को कभी नहीं मिलेगा और मुलायम सिंह यादव जैसा नेता नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने दरवाजे नकचाया है। की लीला अपरंपार है, सरदारों के सरदार, राम की जय हो। आपका अपने वीडियो देखा होगा या सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि मेरे सपने में राम जी आए थे और कहे कि हम 22 को तो नहीं आ रहे। उनके सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे कर्म बहुत खराब है। कई माँ अचरा लगाई है, हमार लाल 22 का ही है। ए बाबू, ये पब्लिक है, पब्लिक चल झूठा। जी बड़ा स्वागत है आपका सच बिहार और सच वैल्यू में। हमें सुमित कुमार और देखिए अयोध्या के धरती पे पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे लता मंगेशकर चौराहा बिना प्रसिद्ध बिना यहाँ का दिख जाएगा और यहाँ का माहौल गजब का है। देखिए रात के 10 बजे है लेकिन यहाँ का माहौल ठंड भरी जरूर है, लेकिन लोगों में राम नाम का जो टेम्परेचर हाई है वो आपको जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे इस चौराहे से। इस ठंड में सरयू नदी के किनारे माहौल गजब का है, लोगों में एनर्जी गजब की है, देशभर से लोग यहाँ आए हैं। ऐसे में राजनीति भी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में थोड़ा बताइए यहाँ का टेम्परेचर, लोग आप बताइए जय श्री राम के नारे के साथ की क्या यहाँ माहौल है। समझ लिया है कि लोगों में एनर्जी किस लेवल की है। हमारे साथ देखिए पॉलिटिकल बातें भी होंगी, क्यों नहीं होगी, पूरे देश में इस बात पे पॉलिटिक्स हो रहा है कि देखिए विपक्ष क्या कर रही है कि आधा अधूरा राम मंदिर को उद्घाटन करके 2024 में वोट लेना है। अब सरकार कह रही है कि इतना दिन टेंट में रखे हैं तो अब कैसे, अब उद्घाटन हुआ है तो प्राण प्रतिष्ठा होगा। ऐसे में कई सारी पॉलिटिकल बहस हो रही है। हमारे साथ एक भैया बहुत वायरल हो रहे हैं बहुत ज्यादा अपनी लेखकी से, इनका नाम है दुर्गेश पांडे और बहुत ज्यादा ये अच्छा लिख रहे हैं। पॉलिटिकल बयानबाजी भी बहुत कलम के माध्यम से जो कलाकारी इनकी है वो तगड़ा है। तो हम आज कैमरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीतिक बातें भी होगी। तो सच बिहार और सच वैली के दर्शकों के द्वारा आपका स्वागत है। बहुत सच बिहार का बहुत बहुत क्या कहते हैं हर तरह से आभार करता हूँ मैं। इस देश के प्रत्येक नागरिक को प्यार करता हूँ और आज मैं इंटरव्यू पे खड़ा हूँ तो सच बिहार करता हूँ। चलिए शुक्रिया। तो लेकिन एक बात बहुत वायरल हो रहा है आजकल आपका गांव। दुनिया के प्रथम देवता हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू का ही साहस है, हिंदू का ही धैर्य है कि उसके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सत्ता आजाद भारत में, आप सोच के देखिए आजाद भारत में 70 सालों से टेंट में पड़े हैं। टेंट में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना पड़ता था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेना पड़ता था कि हाँ हमें पर्दा बदलवाना है, आप सोच के देखिएगा। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, विश्व समूचा सदमे में था, बजी हिंद में थाली, फूल फूल को पानी देता नमो नमो का माली, जहाँ अवध में सरयू लहरे लाल रंग से रंगी, कोठारी बंधु की लाशे देख हसा बहुरंगी, जहाँ सनातन शोक मनाता रोता राते काली, सत्ता बदली मौसम बदला आया नया सवाली, 24 लाख दियो से गुंजित भूमंडल फिर डोला, भारत का हर बच्चा बच्चा सिया राम जय बोला। We are the Sariyu Maa ki।
खाली, हुई आरती सरयू माँ की, रही न घाटे खाली, खोल बजे मृदंग बजे और बजी संग संग ताली, वो भी एक दिवाली साहब, देखो रोज दिवाली। आपका अपने एक वीडियो देखा होगा या सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि मेरे सपने में राम जी आए थे और कहे कि हम 22 को तो नहीं आ रहे, तो सपने क्या कहिएगा? एक बात बताइए, मैं सुबह शाम भगवान की पूजा करता हूँ, आप सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं, उनके सपने में भगवान आए थे और ये सच बात है, उनके सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे कर्म बहुत खराब है और तुम्हारे कर्म बहुत खराब है, तेजस्वी बेटा अभी सुधर जाओ, क्योंकि 22 जनवरी जो है पूरे विश्व की, पूरे भारत की भविष्य की राजनीति तय करेगा, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी भगवान राम सपने में भी उसके आते हैं, भगवान राम सपने में भी उसी के आते हैं जो भगवान राम के प्रति अपनी आस्था रखता है। और आप देख लीजिएगा 22 जनवरी को जो 22 जनवरी को भगवान राम के चरणों में रहेगा वो 2024 नहीं, 2029 नहीं, 2034 नहीं, आने वाले भारत की राजनीति के 50 साल निर्भर करेगा। आप ये जान लीजिए 22 जनवरी इतना इम्पोर्टेंट है ना, ये बात तो कह के तो बता ही देंगे। सुनिए, वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, वाल्मीकि हवाई अड्डा चौतरा, गुरु वशिष्ठ देखत बाट पातरा, कौशल्या माँ कैकई माँ अचरा लगई है, कैकई माँ अचरा लगई है, हमार लाल 22 का आई है, 22 का आई है हो, 22 का आई है हो, 22 का आई है भैया, 22 का आई है हो, 22 का आई है, भरत सगरू अयोध्या सजई है, सच बिहार सच सच दखई है, हमार राम 22 का आई है, 22 का आई है हो, 22 का आई है, नर नारी दियना जरई है, कोठारी बंधु फूल बरसई है, हमार लाल 22 का आई है, हमार लाल 22 का आई है। क्या बात, क्या बात, सबसे पहले तो इनके लिए तालियां, लिखा का जब का इन्होंने। चलिए, आप लोग सब कहाँ से आए हैं? आप लोग सब अयोध्या के हैं? और भी कई चीजें, लेकिन देखिए आप कंबल वंबल ओढ़ कर, ठंडा लग रहा है क्या? कहाँ से हैं आप? बस्ती से आए हैं, बहुत ठंड में क्यों आए हैं? ठंड में राम का दर्शन करने दिया है, पहले देख लेंगे तो मतलब मौका वो नहीं मिलेगा, कभी भी जाके मौका ना मिलेगा। चलिए देखिए, और भी कुछ लिखा है आपने, क्योंकि बहुत मजा आ रहा है आपकी में, बहुत दम मेरे पास, मैंने 4,500-5,000 लिख रखा है। अरे वाह, ठीक है, 4,500-5,000 इंतजार कर रहे थे क्या? इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि साहब जगह तक, लेकिन जो मेन भगवान राम के लिए इस समय मैं पढ़ रहा हूँ वो सुनाता हूँ आपको। एकदम एकदम सुनिए, एक जो एक दूसरा वायरल हुआ आपने सुना है कि ये भी वायरल सुनियो, और सभी लोग साथ देना, सभी लोग अवध में मंदिर है तैयार, वाह करो, फिर से वाह करो, पहले नहीं पेमेंट बाद में लो, अवध में मंदिर है तैयार, अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं सबके सरकार, जिनकी अपरंपार, जो है सरदारों के सरदार, राम की जय हो, राम की जय हो, राम की जय हो, अपरंपार, राम की जय हो। और सुनिए, 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी, 500 वर्षों से मेरे राजा रहे जगत बनवासी, रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी थी काशी, रोई अयोध्या रोई मथुरा सुनी पड़ी थी काशी, करने को रावण का संहार, करने को रावण का संहार, गए थे सागर के उस पार, गए थे सागर के उस पार, राम की जय हो, राम की जय हो, बारंबार राम की जय हो। और सुनना सबसे जरूरी बात, सबसे जरूरी, धन्यवाद, सबसे जरूरी बात, काल नीमियों ने मेरे प्रभु का मंदिर तोड़ दिया था, काल
कालनीमियों ने में सूरज भाई बहुत बहुत स्वागत है। कालनीमियों ने मेरे प्रभु का मंदिर तोड़ दिया था, जय चंदो ने मेरे प्रभु को टेंट में छोड़ दिया था। सुनो, न्यायालय में राम जन्म के मांगे गए सबूत, क्या हुआ उसके बाद? जगत गुरु जी बजरंगी के बनकर पहुंचे दूत, जगत गुरु जी बजरंगी के बनकर पहुंचे दूत। और कुछ लोग अनशन कर रहे थे, आंदोलन चला रहे, तो क्या डकैती बक्कल दिया है तार, डकैती बक्कल दिया है तार, वो सबका घुटना दिया पछाड़, जो है सरदारों के सरदार, अधर्मी गए धर्म से हार, गद अवध में मंदिर है तैयार, आ रहे हैं मेरे सरकार, है जिनकी लीला अपरंपार, राम की जय हो, राम की जय हो बारंबार, राम की जय हो। देखिए राम की जय हो, बहुत सही बात, लेकिन आपके यूपी से अखिलेश यादव है जो कह रहे हैं कि हमें निमंत्रण मिला, मतलब हम क्यों जाए, नहीं जाएंगे, हम तो नहीं जाने वाले, तो क्या लगता है, कुछ कहना चाहेंगे यूपी वासी? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, सुनिए, क्योंकि भगवान राम का दरबार है, सभी को प्यार से बुलाया जाता है, ठीक है, हमारे भगवान राम के दरबार में अगर कोई हत्यारा भी आए, ठीक है, वो किसी का कत्ल करके आए, चाहे वो उसने स्वयं कार सेवकों पर गोली चलाई हो या कार सेवकों पर गोली चलवाई भी हो, तो कोई भी हत्यारा हो या कोई, वो सबको एक निगाह से देखते हैं, आपको भगवान राम का दरबार है, यहाँ पे सभी का सम्मान है। और मैं उन सभी से कहता हूँ जो उस समय हत्यारे रहे हो, उनको भी कहता हूँ, अभी भी तुम्हारे पास समय है क्या? उनको भी प्यार से क्या कहना चाहता हूँ, कलमकार अपनी जिम्मेदारी निभाते होंगे, एकदम जिम्मेदारी से। सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज रही है अयोध्या, चले आइए। और सुनो, गलतियां तो हुई सारा जग जानता, कौन नहीं जानता है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव है, शिवपाल, सुनो, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, इनको कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं भाई, बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी राजनीति का स्तंभ है, और ये जिस परिवार में, जिस परिवार का प्रत्येक व्यक्ति राजनीति में हो, उसको कौन नहीं जानता हो, और उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी राजनीति का स्तर है, सबसे धनाढ्य पार्टी हो, उसको कौन नहीं जानेगा भाई। अखिलेश यादव इस देश का एक इतना बड़ा लीडर है, ठीक है, जिसके उसने अखिलेश यादव सैफई महोत्सव में, ठीक है, वो ऐसे इकलौते लीडर है भारत के कि जिनके यहाँ सलमान खान, जैकलिन फर्नांडीज, अमिताभ बच्चन अपने अपने दरवाजे पे सबको अकेले नचा सकता है, इतना बड़ा लीडर है अखिलेश यादव, ठीक है। अखिलेश यादव जैसा नेता हिंदुस्तान को कभी नहीं मिलेगा, और मुलायम सिंह यादव जैसा नेता नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को अपने दरवाजे नचाया है, वो भी सरकार के पैसों से, ये हिम्मत सबके अंदर नहीं है, ये टोंट नहीं था, ये मतलब उन्होंने जो कार्य किया, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है। और सैफई में और नए बच्चों के लिए बहुत मौका दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने करोड़ों, छह छह करोड़ लेके तो अकेले सलमान खान आता था, सरकारी पैसे पे उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी पैसे पे सलमान खान को बुलवाया, छह छह करोड़ रुपए दे करके, तो बहुत अच्छे लीडर है। लेकिन मैं उनको फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि आप विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ फिर भी प्यार से, सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज गई है अयोध्या, चले आइए, सज रही है अयोध्या, चले आइए, गलतियां है हुई सारा जग जानता, जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई उन्हें कौन नहीं जानता, ऐसे हत्यारों को पूरी दुनिया जानती है, जैसे कोई भी आदमी, आप किसी को मार के जा रहे हो, क्या आप सोचते हो कोई आपको जानेगा नहीं, इस उत्तर प्रदेश के शहर में, उत्तर प्रदेश में हत्यारी सरकारें भी आई हैं, सब जानते हैं, उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां भी चलवाई है, कार सेवकों को मरवाया भी है, भगवान किसी को कोड़ दे, किसी को कुछ भी दे, ऐसे लोगों को भगवान जल्दी उठाए जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलिया, ये कार सेवकों के साथ गलत किया, लेकिन मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, मैं प्यार से, लेकिन मैं अखिलेश यादव का बहुत सम्मान करता हूँ, उसी सम्मान के साथ उनको मैं, अखिलेश यादव जी इस देश के बहुत ही जिम्मेदार नेता है, अखिलेश यादव ने उनके समय पे कहा जाता था कि जहाँ मर्जी वहाँ फीता काटो, हमने इतना विकास किया हुआ है, ठीक है, और अखिलेश यादव ने बहुत विकास किया अयोध्या का, इतना विकास किया कि आप ये समझ लीजिए कि अयोध्या की गली गली में
अयोध्या की गली गली में आप किसी से पूछ लेंगे तो हर कोई आपको कार सेवकों के विषय में बताएगा। अखिलेश यादव इतने अच्छे इतनी अच्छी सरकार रही उनको कार सेवकों के विषय में और राम मंदिर के विषय में, राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा आंदोलन लगा अखिलेश यादव ने। सज गई है अयोध्या चले आइए, सज गई है अयोध्या चले आइए, सज रही है अयोध्या चले आइए। गलतियां जो हुई सारा जग जानता, गलतियां जो हुई सारा जग जानता, मांगने आप माफी चले आइए, चले आइए, हाँ चले आइए, हाँ चले आइए। और कुछ लोग बताऊं, आपने एक चीज और देखा होगा, हाँ। भगवान रामचरितमानस पे गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी कुछ लोग चला रहे हैं और हाँ, देश के बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, जिन लोगों जो आतंकवादियों के भी सपोर्टर हैं, खालिस्तानियों के भी सपोर्टर हैं, और ऐसे लोग जब अपनी पार्टी में काम करने वाले लोग जब गोस्वामी तुलसीदास की रामायण पे सवाल उठाते हैं, उसकी प्रतियां जलाते हैं, तो उनको प्रमोशन कर दिया जाता है। तब कहता हूँ कि सुअरों के झुंड ने योजना बनाई है कि इस बार शेर का नाखून तोड़ लेंगे हम, सबको बटेगा बराबरी की मात्रा में, अपने नाखून में वही नाखून जोड़ लेंगे हम, जंगल में मंगल हमारा ही होगा, फिर पेड़ नहीं पौधा नहीं सारी हवाओं का भी रुख मोड़ लेंगे हम। और सुवर्णी ने कहा स्वामी झुंड सिंह पेट गया, बिल में घुसेंगे दोनों आग फोड़ लेंगे हम। वाह गजब दुर्गेश जी आपकी जय श्री राम। आपको रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। हां हां बहुत दूर पैदल चलकर देख लीजिए, जरा पैर दिखाइए इनकी, देखिए भाई इतना क्यों आए पैदल, गाड़ी रुकी है, गाड़ी से सब लोग आता है, सब लोग आ ही रहा है, बस दो मिनट पैदल से भी आए अपने शहर मुगल शाह का नाम रोशन करना, सॉरी मंदिर चाल पर ध्यान है, कोई बात नहीं, नाम नहीं करना। चलिए बहुत बहुत आपकी हौसले की सराहना है। और लता मंगेशकर चौक से इस रिपोर्ट को हम दिखा रहे थे, बाकी आप राय दीजिए, भैया ने बहुत बढ़िया सुनाया दुर्गेश जी ने और इनके टैलेंट को तो सलाम, बाकी आप राय देके बताइए क्या आप भी आ रहे हैं। समाप्ति करते हैं, बाकी कई सारे और रिपोर्ट अयोध्या से देखने को मिलेंगे, अपनी कमेंट भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। नमस्कार।